अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज के लेक्चर हमारे पास OSI मॉडल क्या होता है और OSI मॉडल क्या है, इसकी तारीफ़ क्या होती है और इसका क्या फ़ंड है। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशानी फील करते हैं, बगैर टाइम ये ज़ाया कि हम आगे चलते हैं और OSI मॉडल समझते हैं। OSI स्टैंड फॉर होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको 1984 के अंदर डेवलप किया गया था और इसको ISO ने डेवलप किया था। इसको 1984 के अंदर डेवलप किया गया था, 1984 के अंदर इसको ISO ने डेवलप किया था। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अदारा है अमेरिकन, इन्होंने इसको डेवलप किया था इन 1984 के अंदर। ये बेसिकली ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक ऐसा मॉडल है, बेसिकली ये रेफरेंस मॉडल, जस्ट कीप इन योर माइंड। रेफरेंस मॉडल का मुराद ये कि ये आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हकीकत में हमारे पास आजकल जो रियल लाइफ में काम कर रहा है वो TCP/IP मॉडल है। ये याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये PPSC में NTS में भी क्वेश्चन आता है कि रेफरेंस मॉडल कौन सा है, तो OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। ये रियलिटी में ये काम नहीं करता, बल्कि इसके कंसेप्ट, एक इसका रेफरेंस लिया जाता है और रेफरेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हुए हम नेटवर्किंग के अंदर इसका कंसेप्ट रखते हैं। लेकिन रियल में कौन सा यूज़र है? TCP/IP मॉडल यूज़र है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। तो याद रहे, इसको OSI मॉडल को 1984 के अंदर ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको डेवलप किया था। तो अब इसकी समझिए, OSI मॉडल की तारीफ़ क्या है। OSI मॉडल क्या है, ये बेसिकली बताता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर वन है, एक कंप्यूटर टू है। कंप्यूटर वन जो है वो कंप्यूटर टू से कैसे कम्युनिकेट करेगा नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहली बात, नेटवर्क जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में, आप उनको कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं डाटा या इन्फॉर्मेशन को आपस में, शेयर करने के लिए, रिसीव करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, तो एक नेटवर्क बनता है। जब यहाँ पे आपके सामने में डायग्राम के अंदर भी ये बताया है कि मान लो ये मेरे पास कंप्यूटर वन है, ये कंप्यूटर टू है, यहाँ पे ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में एक लैन केबल के थ्रू आपस में अटैच हैं और यहाँ पे ये कनेक्टर लगे हुए हैं। कंप्यूटर वन और इसके साथ भी ये कनेक्टर RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है, और ये कंप्यूटर टू है, इसके साथ भी RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ NIC के थ्रू अटैच हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कोई भी डिवाइस, किसी भी डिवाइस की अगर बात करें, कंप्यूटर डिवाइस की बात करें, नेटवर्किंग के अंदर कोई भी डिवाइस है उसका अपना एक अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसको लैन कार्ड भी बोलते हैं। ये बेसिकली 12 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो कि किसी भी डिवाइस का अपना फिज़िकल एड्रेस या फिज़िकल उसकी अपीयरेंस बताता है। जैसे मोबाइल फ़ोन की अगर मिसाल लें, मोबाइल फ़ोन का अपना एक जो है वो मैक एड्रेस होता है, ये एक मिस्टेक होगी, वो किसी भी डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, ये मगर कंप्यूटर की मिसाल है, कंप्यूटर के ऊपर मदरबोर्ड के अंदर ये इंसर्टेड होता है और इसके साथ ही बेसिकली हमारे पास RJ45 कनेक्टर जो है वो, जब आप इंटरनेट की या नेटवर्क की तार लगाते हैं तो ये आप RJ45 के थ्रू नेटवर्क इंटरफेस के साथ अटैच करते थे, एक नेटवर्क बनता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं RJ45 कनेक्टर्स के थ्रू, लैन केबल के थ्रू, तो क्या होता है जी, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और डाटा या इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के काबिल हो जाते हैं। तो OSI मॉडल क्या है, ये डिफ़ाइन करता है कि कैसे कंप्यूटर्स, कैसे डिवाइसेस नेटवर्किंग के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ डाटा को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आर्किटेक्चर। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि OSI मॉडल डिफाइंस हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में जब डाटा को शेयर कर रहे होते हैं तो उनके अंदर उनका आर्किटेक्चर क्या है, ये मैटर नहीं करता है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास ये कंप्यूटर वन है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपने इंस्टॉल की हुई है, MS विंडोज़ है, और ये भी मेरे पास दूसरा जो कंप्यूटर है इसके अंदर जो है वो आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपने कौन से विंडोज़ इंस्टॉल किया,
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और इस कंप्यूटर के अंदर आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़रा कि इनका आर्किटेक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनको आपस में कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है? OSI मॉडल आपस में इनको कम्युनिकेशन करवाएगा। तो यही बेसिकली मेन फंडा है कि हमारे पास OSI मॉडल क्या होता है। ये दो से ज़्यादा डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेशन करवाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आर्किटेक्चर। आई होप आपको यहाँ तक डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं है फिर से थोड़ी सी वीडियो बैक करें, फिर इसको देखें। अब यहाँ पे OSI मॉडल के अंदर बेसिकली देर आर 7 लेयर्स इन OSI मॉडल। सवाल उठता है कि समटाइम ये PPSC में, NTS में और मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर पूछा जाता है कि भाई हमारे पास OSI मॉडल के अंदर लेयर्स कितनी है। तो देर आर 7 लेयर्स। आपने इसको मेक श्योर कि आपने इनको काउंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप करना है। हमारे पास पहली OSI मॉडल के अंदर जो लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड फिजिकल लेयर, द सेकेंड वन इज़ डाटा लिंक लेयर, एंड द थर्ड लेयर इज़ नेटवर्क लेयर, एंड द फोर्थ लेयर इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, और नंबर फिफ्थ इज़ सेशन लेयर, नंबर सिक्स इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, और नंबर सेवन इज़ लास्ट वन इज़ एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे आप इनको बॉटम टू टॉप जो है वो काउंट करना है। तो इसको बॉटम लेयर भी बोलते हैं, फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल भी बोलते हैं। उसके बाद अगर टॉप मोस्ट लेयर की बात की जाए OSI मॉडल के अंदर, तो विच इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई किस लेयर के ऊपर, OSI मॉडल के अंदर किस लेयर के ऊपर कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं। अब देखें ना, यहाँ पे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं आपस में, ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपस में बने हुए हैं। तो उसके अंदर उनको आपस में, उन नेटवर्क्स को आपस में अटैच करने के लिए नेटवर्क्स कितने होते हैं? तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिवाइस पे कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है। तो जैसे कि जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में अटैच करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल लैन है, मैन है, वैन है, पैन है, सैन है, कैन है, डैन है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं। इनको आपस में अटैच करने के लिए, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि वो कम्युनिकेशन करें, हमें क्या चाहिए होती है? डिवाइसेस चाहिए होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, PPSC में, NTS में और बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि भाई फिजिकल लेयर के ऊपर कौन सी डिवाइस काम करती है। तो ये मैंने लिख दिया, हब और रिपीटर काम करते हैं। इसी तरह डेटा लिंक लेयर यानी जो दूसरी लेयर है, इसके ऊपर कौन सी डिवाइस काम करती है? ब्रिज और स्विच काम करते हैं। इसी तरह तीसरी लेयर हमारे पास क्या, नेटवर्क लेयर है, इसके ऊपर राउटर काम करते हैं। और लेयर थ्री स्विच, ये हमारे पास काम करते हैं। और ऊपर वाली जो लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और जो हमारे पास क्या है एप्लीकेशन लेयर्स हैं, इसके ऊपर जो है वो गेटवेज काम करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि किस लेयर के ऊपर कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं। इनकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, मैंने वो अपलोड की हुई यूट्यूब चैनल में, आप उसको लाजमी वॉच करें। हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर, इनके ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियोज़ बनाई हैं, आप उनको लाजमी वॉच करें। अगर आप नेटवर्किंग के अंदर अच्छे से ग्रिप लेना चाहते हैं और मुख्तलिफ नेटवर्किंग के अंदर कंसेप्ट लेना चाहते हैं, तो OSI मॉडल बहुत ज़रूरी, सुपर इम्पोर्टेंट आई वुड से। तो खैर, उसके बाद याद रहे कि हमारे पास जो फिज़िकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है और अब ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये हमारे पास जो फोर लेयर्स हैं फ्रॉम बॉटम टू अप। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, इनको हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं और इनको लोअर लेयर्स भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपने। और उसके बाद हमारे पास जो ऊपर से नीचे अगर देखें, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये तीन लेयर्स ऐसी हैं जिनको डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं, या फिर इनको अपर लेयर्स भी बोलते हैं, या फिर इनको सॉफ्ट लेयर्स भी बोलते हैं। तो ये तीन लेयर ऊपर वाली क्या हैं? डेस्कटॉप, अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर्स, और नीचे वाले क्या हैं? लोअर लेयर्स, हार्डवेयर लेयर्स। लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ पे मैंने एक देखो ना, किसी भी चीज़ का एक अपना हार्ट होता है, किसी भी चीज़ का अपना एक दिल होता है। ये जो सात लेयर्स हैं, इनमें से भी एक लेयर ऐसी है विच इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। तो OSI मॉडल के अंदर जो सात लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर है विच इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ द OSI मॉडल लेयर्स। तो जैसे हार्ट काम करता है पूरे बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन करता है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट, जैसे नाम से ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये डाटा को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन इसके ऊपर मैं अलग अलग से आने वाली जो वीडियोज़ हैं हम बात करेंगे, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, सेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट क्या होती है, इन सब लेयर्स के ऊपर मैं एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि लोग बोर ना हो, स्टूडेंट्स इसको आराम से, आसानी से समझ जाएं। तो खैर,
इन लेयर्स को याद रखने के लिए एक बहुत इजी और बहुत आसान सा एक सेंटेंस है, फ्रेज है, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ऑल से क्या बनता है? फिजिकल लेयर, पीपल से डाटा लिंक लेयर, इसी तरह सीम से क्या बनता है? ऑल पीपल सी, सॉरी ऊपर से इसको देखना है, एप्लीकेशन लेयर, ये प्रेजेंटेशन लेयर, और एस से सीम से सेशन लेयर, और टी से डाटा अपना ट्रांसपोर्ट लेयर, और नीड से नेटवर्क लेयर, और डाटा से डाटा लिंक लेयर, और प्रोसेसिंग से नन अदर दैन फिजिकल लेयर। तो खैर ये मैंने नहीं डेवलप की है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट है, वर्ल्ड में चलती है कि इसका कॉमन एक फ्रेज, कॉमन सेंटेंस चलता है कि ऑल पीपल सेम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। वैसे मुझे वैसे भी याद है, मैं इसको ऐसे याद रखा है, बॉटम टू टॉप PDNTSPA। तो आप अपना ये खुद से सेंटेंस फ्रेज बना सकते हैं, इसमें घबराना नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आपने इसकी जो सीक्वेंस है, इसकी अरेंजमेंट है, उसको आपने तरतीब से रखना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि OSI मॉडल क्या होता है। OSI मॉडल क्या है? मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को, मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आर्किटेक्चर। उनका आर्किटेक्चर भले ही कैसा हो, इसने इसका मेन फंडा क्या है, मेन काम क्या है, इसने आपस में उनको कम्युनिकेट करवाना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे पास एक रेफरेंस मॉडल है। रियलिटी में जो अभी आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है वो TCP/IP मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनको एक एक करके अलग अलग से इनको मैं आपको समझाऊंगा, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नेटवर्किंग करना चाहते हैं, नेटवर्किंग के लेक्चर मज़ीद लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि ये जो सातों लेयर्स हैं इनके अलग अलग आपको कंसेप्ट मिल जाएँ और आपको किसी किस्म की परेशानी ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर।